कंगना रनौत के पक्ष में भाजपा सहित कई महिला संगठन बस मां से भी संगठन खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने मंडी जिला मुख्यालय तथा उपमंडल मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर उतरे भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस को गिराने की घटना के कड़े शब्दों में निंदा की तथा राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इस घटना की निष्पक्ष जाँच की मांग उठाई और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कार्यवाही करने की भी अपील की। इस अवसर पर अपने संबोधन में भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष कपूर ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी है और प्रदेश कंगना के साथ है। आज आम समाज के साथ हमने मिलकर माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें हमने माननीय राष्ट्रपति जी से डिमांड की कि जो कल महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की कांग्रेस नीत गठबंधन सरकार ने जिस तरह से असंवैधानिक रूप से और तानाशाही रवैया अपनाकर कंगना रनौत जी का जो एक हिमाचल की बेटी होने के साथ साथ ये एक राष्ट्रवादी महिला हैं उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया वो निंदनीय है, उस कृत्य के ऊपर संज्ञान लिया जाए। और आज हम हिमाचल के कांग्रेस के मित्रों से जानना चाहेंगे कि इस जिस तरह से व्यवहार कंगना रनौत जी के साथ किया गया तो वो लोग आज जवाब दें कि आज वो क्या अपने हिमाचल की अपनी बेटी के साथ हैं कि उस दाऊद इब्राहिम समर्थित बॉलीवुड के उस कुचक्र के साथ हैं। ऐसा हम आज अपने कांग्रेस के मित्रों से जानना चाहेंगे, वो बताएं कि आज क्या वो अपनी बेटी के साथ हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद की है, जिन्होंने बॉलीवुड में एक ड्रग माफिया नरक और परिवारवाद का जिन्होंने एक खंडन किया है, जिसके ऊपर एक स्टैंड लिया है और एक लड़ाई लड़ रही हैं। आज हमें देखना है कि हम किसके साथ खड़े हैं। इस अवसर पर समाज सेवी हिमाचली ठाकुर ने कंगना रनौत के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि शिवसेना अपने लक्ष्य से भटक गई है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और कंगना रनौत को इंसाफ नहीं मिला तो प्रदेश भर में आंदोलन किए जाएंगे। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं सहित कई समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। ठाकुर समाज सेवी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ बीते कुछ दिनों में जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र के अंदर हुआ उसका हम कड़ी निंदा करते हैं और उसका विरोध करते हैं। उद्धव ठाकरे ने बाल ठाकरे के संस्कारों को तार तार किया है। संजय रावत ने शिवसेना जिस लक्ष्य के लिए बनाई गई थी उस लक्ष्य से भटकी है, क्योंकि शिवसेना का लक्ष्य शिवाजी जी महाराज का लक्ष्य था नारियों का सम्मान करना। आज उन्होंने नारी का अपमान कर पूरे भारतवर्ष को यह बता दिया है कि शिवसेना अपने लक्ष्य से भटक चुकी है। हम सब यह मांग करते हैं कि कंगना के साथ जो बेइंसाफी हुई है उसको इंसाफ दिया जाए। यदि उसके साथ तुरंत प्रभाव से उसे इंसाफ नहीं मिला तो हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक जन सड़क पे उतरेगा और आंदोलन करेगा। इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेवार होगी। जय हिमाचल, जय मंडी।